हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का जो दूसरा चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 2.5 को। ठीक है, इसके पहले के जो सारे वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। देखिएगा, गुणनफल ज्ञात करना है हमें और वो भी सर्वसंख्या का प्रयोग करके। आइएगा देखते हैं। देखिएगा, पहले सर्वसंख्या यहाँ पे जो सी सर्वसंख्या यहाँ पे लगने वाली है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लगेगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। देखिए, गुणनफल आप सीधा गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो ये सर्वसंख्या यहाँ पे लगेगी एक्स प्लस ए, ए का मान 4 है, एक्स प्लस बी, बी का मान 10 है, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इन दोनों का जोड़ एक्स प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, इन दोनों का गुणनफल। यही सर्वसंख्या है, इसी का प्रयोग करके हमें यहाँ लगाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ए का मान 4 है, बी का मान कितना है, 10 है। तो अगर इसको हम गुणा करेंगे सर्वसंख्या की सहायता से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि 4 प्लस 10, 4 धन 10, धन ए बी, यानी कि इन दोनों का गुणन, तो 4 गुणे 10। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 10 4, यहाँ पे एक्स रहेगा, 10 4 14 एक्स, कितना हो जाएगा, 14 एक्स हो जाएगा, प्लस 10 4 40 हो जाएगा। तो इस सर्वसंख्या के प्रयोग से इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में भी देखिएगा यही सर्वसंख्या लगेगी। यहाँ पर ए कितना है, 8 है, और यहाँ पे बी कितना है, -10 है। सर्वसंख्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। देखो ए प्लस बी, तो ए का मान 8 है और बी का मान -10 है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -10। ठीक है, क्योंकि प्लस करना था, प्लस का मतलब जोड़, और चूँकि यहाँ माइनस है, -10 है बी की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। और प्लस गुणा करना है हमें 8 और -10 का, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, गुणा करते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो 8 में से 10 चला जाएगा तो आएगा -2x। ठीक, और यहाँ पे 8 और 10 का गुणा होगा तो -80 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइएगा यहाँ पर देखते हैं, यही वाली सर्वसंख्या जो यहाँ पे है वही सर्वसंख्या यहाँ पर भी लगेगी। आइएगा देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे ए 4 है, बी कितना है, -5, 4 प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा एक्स प्लस, फिर क्या है, ए बी, इन दोनों का गुणन, तो 4 और -5 का गुणा, गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 3 3 9x2। अब देखो 4 में से -5 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 बचेगा, और -1 का एक्स में गुणा होगा तो -x हो जाएगा। 4 और 5 का गुणा होगा, माइनस में है, -20 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर आप एक फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आपका क्या है, सूत्र है, सर्वसंख्या है आपका। ठीक है, देखिएगा ए क्या है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, बी क्या है, यहाँ पे 3 प्लस 2 है, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर, बी 3 बाई 2। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बस। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे करते क्या है, हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई का जो, चूँकि देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है, 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कर देते हैं,
ठीक है, देखिएगा, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4, और ये हो जाएगा चूँकि स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइएगा ये देखते हैं, ये भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, ये है ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी, ठीक है, यही वाला फार्मूला, चाहे आप ए प्लस बी पहले लिखें माइनस बी बाद में लिखें, दोनों चीज़ सेम है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये क्या है ये बी है 2x, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 2 4 x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इतनी चीज़ हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरसंख्या के साथ से हमने गुणनफल निकाल लिया गया है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा गुणनफल हमें ज्ञात करना है इसका, वो भी सरसंख्या की सहायता से हम ज्ञात करेंगे, आप गुणा करके भी निकालेंगे लेकिन यहाँ पे सरसंख्या की सहायता से गुणनफल निकालना है। तो देखिएगा 103 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 3, बीच में गुणा है गुणा लगाए, 107 को हम लिख सकते हैं 100 - 7, ठीक है। अब देखिएगा सरसंख्या हमने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताई थी, यहाँ पे देखो x प्लस ए और x प्लस बी वाला सरसंख्या लगेगा, तो x प्लस ए और x प्लस बी ये बराबर होता है x स्क्वायर के प्लस ए प्लस बी एक्स के प्लस ए बी के, ठीक है। आइएगा यहाँ पे लगाते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 + 3 और 100 - 7 है, तो x क्या है हमारा, ये x जो है ये 100 है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर होता है प्लस a प्लस बी, ए क्या है 3, b क्या है 7, तो 3 - 7 x है, तो x लिखेंगे, x का मतलब कितना 100, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100, ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगाते हैं ab, ab का मतलब क्या है 3 और 7 का गुणा, बस इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 0 + 7 3 10 हो जाएगा, और 10 हो के जब 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा प्लस 7 3 21 हो जाएगा। अब अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना है, ये है आपका 10000, 10000 में 1000 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11000, और ये हो जाएगा 11021 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11021 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइएगा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं, 95 * 96 है, 95 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 5 लिख सकते हैं, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, और a क्या है 5, b क्या है 4 है, ठीक है, यहाँ पे तो यही सरसंख्या लगाएंगे, पहले क्या होता है x स्क्वायर होता है, तो हमने 100 का स्क्वायर कर दिया प्लस a प्लस b, a हमारा क्या है अगर हम देखें यहाँ पे, तो a हमारा क्या हो जाएगा -5 और b क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 चूँकि a प्लस बी होता है, तो -5 और -4, ठीक, x है, x का मतलब कितना होता है 100, प्लस उसके बाद हमें गुणा करना है किसका, देखो ए बी होता है यानी कि -5 * -4, तो -5 और -4 हमने कर दिया, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 100 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0, -5 और -4 मिल के -9 हो जाएंगे, और -9 का 100 से गुणा होगा तो -900 हो जाएगा ये, और -5 और -4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 और 20 -20 + हो जाएगा। इसको करते हैं, देखो ये हो गया आपका 10000, 10000 में से 9000 जाएगा तो ये हो जाएगा 9100, ठीक है, 10000 में से 900 चला गया तो 9100 बचा, और इसमें हमें 20 को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 9120, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइएगा चलते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको हम ले सकते हैं 104 को ले सकते हैं 100 - 4, और इसको हम ले सकते हैं 96 को 100 - 4 लिख सकते हैं, इसकी सरसंख्या क्या है, सरसंख्या देखो x प्लस ए, या आप इसको ले सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, देखो a प्लस बी a माइनस बी सेम दिख रहा है ना, a 100 है b 4 है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर
सौ का स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब चार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सौ का स्क्वायर करेंगे तो सौ यहाँ पे चार जीरो हो जाएंगे, माइनस चार चौक सोलह। अब इसको आप घटा लेंगे तो आप क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है सरसंख्या की सहायता का प्रयोग करके निकालेंगे। आइएगा देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो ये है नौ एक्स स्क्वायर, नौ एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं तीन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि तीन त्रिक का नौ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस इस देखो छः को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री एक्स इंटू वाई। देखो तीन दूनी छः एक्स और वाई सेम चीज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। और वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर रहने देते हैं। देखो ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लग रहा है ना फार्मूला, जो सर्वसंख्या होती है, सर्वसंख्या क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसंख्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वही चीज़ है, ए स्क्वायर है पहले ए स्क्वायर और ये टू ए बी पहले लिखा हुआ है, ए है ये बी है और बी का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस वाई और थ्री एक्स प्लस वाई दो बार, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। आइएगा देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी वही हमें करना है। फोर वाई स्क्वायर है तो इसको आप टू वाई का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस टू इंटू ए क्या है टू वाई है, ठीक है। कितना हो गया ये टू टू हो गया, इंटू वन भी लिख सकते हो। देखो फोर वाई स्क्वायर को हमने टू वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, फोर वाई है फोर वाई को हमने इस तरीके से लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर, यही वाला फार्मूला ए स्क्वायर, और ये हमारा टू ए बी बन जाएगा, और वन हमारा क्या बन जाएगा, वन को हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे तो फिर वन आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये फार्मूला किसका होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, ठीक है। ये टू वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वाई प्लस एक का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया टू वाई माइनस बी, बी मतलब एक का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। आएगा ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। देखिएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये माइनस वाई स्क्वायर बटा सौ है, इसको हम लिख सकते हैं वाई बटा दस का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, दस का स्क्वायर करेंगे सौ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, और इसका जो सरसंख्या है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होती है, ए का मान एक्स है प्लस बी का मान वाई बटा दस है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स का मान मतलब ए का मान एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और बी का मान क्या है वाई बटा दस, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।